लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी सावन गेम्स क्रिकेट एंड आज का एक और नया वीडियो पे आप सबको स्वागत है गाइस। तो ये होने जा रहा है लास्ट एंड फाइनल T20 मैच। जो जीतेगा वो होने वाला है सिकंदर, मतलब सीरीज जीतने वाला है। सीरीज इज ऑन द लाइन, 2-2 है सीरीज। और ये हाईलाइट मुकाबला देखते रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देख रहे ताकि पता चलेगा कौन विनर होने वाला है गाइस। तो बहुत ही धमाकेदार हो सकता है ये मुकाबला। तो चलिए टॉस करने से पहले आपके सामने ये रहा प्लेइंग 11 देख लीजिए और टाइम फॉर अ टॉस। और उछाल दिया ये टॉस हार्दिक पांड्या ने एंड वेस्ट इंडीज कॉल्स के टेल्स, टेल्स इन द कॉल वेस्ट इंडीज। देखते रहिए कौन टॉस जीते और वेस्ट इंडीज फिर से यार जीत चुके हैं। पता नहीं यार बार बार वेस्ट इंडीज कैसे टॉस जीतते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। और वेस्ट इंडीज हैव चूजन टू बोल फास्ट, तो इन्होंने आज टॉस जीत के बॉलिंग लेने का फैसला कर लिया है। तो हमको पहले बैटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं इंडिया के बैटिंग पे। तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और लास्ट हम 10 ओवर दिखाने वाले हैं दोनों टीमों का ही। और अब मैदान पे प्लेयर्स उतर चुके हैं और इंडियन बैट्समैन भी आ रहे हैं बैटिंग करने। ओपनिंग सीट पे है यशस्वी जायसवाल एंड साथ में शुभमन गिल। तो पिच तो बहुत ही धमाकेदार लग रहा है, लग रहा है अच्छा खासा रन बनने सकता है इस पिच पे। तो देखते रहिए आगे चौका लग चुका है। तो मैंने बोला ही था पिच लग रहा है बैटिंग पिच होगा गाइस। 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर बना है 87 तीनों के नुकसान पे। बैटिंग कर रहे शुभमन गिल साथ में हार्दिक पांड्या। तो फाइनली शुभमन गिल रन बनाना शुरू कर दिया है इस मैच में, लग रहा है अच्छा खासा रन बना सकते हैं। हालांकि 3 विकेट गिर चुका है, टॉप ऑर्डर हो चुके हैं आउट। तो फाइनल 10 ओवर पे एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बढ़िया डिफेंस और इजिली मिल जाएगा इधर एक रन। सुपर रनिंग बिटवीन द विकेट, 10 ओवर एक बॉल पे 88 रन बना है इंडिया का 3 विकेट के नुकसान पे। एंड सेकेंड बॉल ओवर का स्ट्राइक पे हार्दिक पांड्या, अलजेरी जोसेफ टू हार्दिक। सेकंड बॉल ओवर का रन रेट इज 8.66 गाइस। एक और बॉल ओवर का ओ ब्रिलियंट डिलीवरी, बुरी तरीके से बीट किया ये बॉल, जोर से गया था ये बॉल, सुपर बॉल था। थर्ड बॉल ओवर का जोसेफ टू हार्दिक पांड्या, तो जोर से बॉल कर रहे हैं जोसेफ, अच्छा ओवर किया है इस सीरीज पे, अच्छा स्पेल किया है। एक और बॉल, बढ़िया ड्राइव, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, एटलीस्ट ये ड्राइव ले रहे ये सिंगल रन। एंड गया 10 ओवर 3 बॉल पे 89 रन बना है इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे। चौथा बॉल ओवर का थोड़ा सा धीरे खेल रहे हैं बट 200 रन यार एटलीस्ट बनाना पड़ेगा तो मैच जीतने वाला है। बट अगर 200 रन नहीं बना पाए तो ये मैच शायद जीत नहीं पाएंगे। एक और बढ़िया बॉल, ब्यूटीफुल डिफेंस, पुश एंड रन, दौड़ के ले लिया ये सिंगल रन। एंड लास्ट बॉल ओवर का 10 ओवर 4 बॉल पे 90 रन बना है इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे। एंड लास्ट वाला ओवर का होने जा रहा है अलजेडी जोसेफ टू हार्दिक पांड्या गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, 4 बॉल में ऑलरेडी 3 रन बन चुका है। देखते रहिए एक और डिलीवरी और एक और बढ़िया बॉल, फिर से बीट किया ये बॉल आखिरी बॉल ओवर का। तो सिंगल चालू रखना है ये जोसेफ का, बॉल खेलने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। आखिरी बॉल ओवर का बढ़िया ओवर किया है जोसेफ। एक और बॉल और अनदर ग्रेट डिलीवरी एंड ओवर द कंप्लीट। 11 ओवर के बाद 90 रन बनता है इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे। तो स्लो स्टार्ट किया है गाइस, तो हमारे पास 9 ओवर हाथ पे है गाइस। अकील हुसैन अब आ रहे हैं बॉलिंग करने, देखते हैं अकील हुसैन, अकील हुसैन टू शुभमन गिल गाइस। पहला बॉल ओवर का फर्स्ट बॉल, ये स्पिनर ही मेरे लिए बहुत बदतर है गाइस। पहला बॉल कट शॉट, ब्यूटीफुल कट, गैप पे खेला ये शॉट, ले रहे सिंगल रन, ज़्यादा दूर गया नहीं है, मिलेगा एक ही रन। स्लो फील्डिंग और इजीली ले लिया 2 रन गाइस, बहुत ही स्लो फील्डिंग था। तो शुभमन गिल एक सेटल बैट्समैन है, इनको एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, धीरे धीरे खेलना है और अच्छे से एक डिसेंट स्कोर बनाने में तब्दील कर रहा है। एक और बॉल शुभमन गिल, कार और ब्रिलियंट बॉल गाइस, कैसे बीट हुआ यार समझ नहीं आ रहा, बढ़िया बॉल कर रहे हैं ये अकील हुसैन इनटू शुभमन गाइस। फिर सेमने के लिए शुभमन गिल, इंटरेस्टिंग चल रहा है मेरे दोस्त। थर्ड बॉल ओवर का एक बॉल ओवर का कट शॉट, ये क्लास है, बहुत ही हाई क्लास कट, मिलेगा 2 रन, चौका मिल सकता है और ये आउटफील्ड फास्ट रन मिल चुका है चौका, बढ़िया शॉट शुभमन गिल का, ब्रिलियंट बैटिंग गाइस, बहुत ही कमाल का कट शॉट खेल दिया है, रन बहुत ही बढ़िया ये बना रहे गाइस। तो 60 रन पे आ चुके शुभमन गिल। एंड चौथा बॉल ओवर का 96 पे खेल रही टीम इंडिया। एक बॉल ओवर का और ये बढ़िया फ्लिक शॉट, बढ़िया फील्डिंग होता है ये डॉट बॉल। 11 ओवर 4 बॉल पे 96 रन बनाए इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे। देखते रहिए आगे क्या होता है सीन। लास्ट 2 बॉल ओवर का अकील हुसैन टू शुभमन गिल, 6-1 पे खेल रही शुभमन गिल, 2 बॉल ओवर का बाकी है। एक और बढ़िया बॉल और ये ब्रिलियंट बॉल गाइस, नो डाउट
सुपर बॉल ये था अकिलोसन का। तो पता नहीं क्यों पिच पे थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो रहा है, स्लो स्लो लग रहा है पिच। एक और बढ़िया बॉल, गॉट अनदर ग्रेट बॉल एंड होता है डॉट एंड ओवर द कंप्लीट। वेरी गुड ओवर, बहुत अच्छा ओवर रहा है, बट एक चौका मारा है। स्ट्राइक में है अब हार्दिक पांड्या। ओबेड मैकॉय आ रहे बॉलिंग करने, ओबेड मैकॉय टू हार्दिक पांड्या। अब 6 बॉल भी इन्होंने एक रन बनाया, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हार्दिक। फर्स्ट बॉल ओवर का देखते रहिए आगे। पहला बॉल और ये वाइड डिलीवरी हो सकता है और अंपायर ने वाइड दिया नहीं है गाइस, बट मेरे ख्याल से ये वाइड था, बट ठीक है कोई बात नहीं। बढ़िया बॉल कर रहे हैं। सेकंड बॉल ओवर का रन तो डेफिनेटली बनाना चाहिए यार, ये मुकाबला जीतना ही पड़ेगा इंडिया को। एक और बॉल, फ्लिक शॉट, बढ़िया फ्लिक, गैप पे खेला बट फील्डर ने पकड़ लिया बॉल, लिया है सिंगल रन। बारह ओवर दो बॉल पे 97 रन बना इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे। तो लास्ट मैच में हमारा कांड हो गया था यार, बुरी तरीके से हार गए थे। तो अगर आप लोगों ने हाईलाइट वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा लास्ट पिछला वाला वीडियो। और ये बैकफुट ड्राइव, ये क्लास शॉट है, जाएगा 4 रन, हाई क्लास शॉट है, 100 रन कम्स अप फॉर इंडिया। तो 4T20 हाईलाइट नहीं देगा तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, और ऑल्सो आई बटन भी दिया हुआ है तो आई बटन भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग था लास्ट वाला मैच, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था सीन। एंड चौथा बॉल ओवर का, ओबेड मैकॉय टू गिल गाइस, 65 पे खेल रहे हैं सुपर गिल। चौथा बॉल ओवर का इंटरेस्टिंग चल रहा है। एक और बढ़िया बॉल और ये वाइड डिलीवरी गाइस, ये पुली में मारनी से यार, ये वाइड कैसे नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल यार, ये डेफिनेटली वाइड था बट हम मैंने दिया नहीं। लास्ट टू बॉल ओवर का, ओबेड मैकॉय टू सुमन गिल, दो बॉल ओवर का बाकी है। फ्लिक शॉट, बढ़िया फ्लिक, गैप पे खेला ये शॉट, बढ़िया पुश ले रहे सिंग गिल। एंड बड़ा ओवर, 5 बॉल पे 102 रन बनाए इंडिया का 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल ओवर का होने जा रहा है मेरे दोस्त, देखते रहिए आगे। मैकॉय टू हार्दिक पांड्या गाइस, ओबेड मैकॉय टू हार्दिक पांड्या, लेट्स सी आगे क्या होता है सीन। एक और बढ़िया बॉल और पैड पे लगा, होता है ये डॉट एंड ओवर द कंप्लीट। तो 13 ओवर के बाद 102 रन बन जाता है इंडिया का 3 विकेट के नुकसान पे। तो बॉलिंग करने आ रहे अब रोमारियो सेपराट, इनका स्पेल बहुत एक्सपेंसिव गया था। सेपराट बहुत रन दे रहे हर एक मैचेस पे। सुपर गिल टू रोमारियो सेपराट, देखते रहिए आगे। फास्ट बॉल ओवर का और ये बढ़िया ड्राइव, ब्रिलियंट बॉल, होता है ये डॉट बॉल गाइस, होता है ये डॉट बॉल। सेकंड बॉल ओवर का इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सिचुएशन। गिल टू सेपराट गाइस, 66 पे खेले सुपर गिल। एक बॉल ओवर का, देखते रहिए आगे। एक और डिलीवरी और एक और बढ़िया बॉल, फिर से होता है डॉट बॉल। तो थर्ड बॉल ओवर का, तो यार मैं एक्चुअली खेल नहीं पा रहा, हम खुद ही फॉर्म पे नहीं यार, पता नहीं क्यों बढ़िया ओवर कर रहे हैं। एक और बॉल ओवर का, देखते रहिए आगे। एक और डिलीवरी और ये कट शॉट, बढ़िया कट, गैप पे खेला बट फील्डर के हाथ पे ही गया है, मिलेगा एक रन। एंड 13 ओवर 3 बॉल पे 103 रन बना है इंडिया का। तो हमारा टारगेट तो है 200 रन करने का, तो आई ट्राई अवर बेस्ट गाइस, देखते हैं हम अपना बेस्ट डेफिनेटली देंगे। चौथा बॉल ओवर का, सेपराट टू हार्दिक पांड्या। एक और बॉल इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट और ये मिलेगा चौका, हाफ वाली बॉल था। एंड लास्ट टू बॉल ओवर का, अच्छी तरीके से पेल दिया हार्दिक पांड्या ने। तो अभी भी होश नहीं गवाएंगे, तो मारने वाले डेफिनेटली, बढ़िया शॉट हार्दिक पांड्या का, इंटरेस्टिंग बैटिंग। एंड एक और बॉल ओवर का, लास्ट टू बॉल ओवर का, सेपराट टू हार्दिक पांड्या का, 6 पे खेल रहे हार्दिक, बहुत स्लो खेले हैं बट कोई बात नहीं। दो बॉल ओवर का बाकी है। एक और डिलीवरी और ये स्लो ओवर बॉल, होता है डॉट बॉल। आखिरी बॉल बोल्ड आउट होते होते बचे गाइस, आखिरी बॉल ओवर का। 11 बॉल पे 6 रन बनाए हार्दिक ने। तो पिच लग रहा है बहुत स्लो हो चुका है, तो बैटिंग करने में डिफिकल्टी फेसेस करना पड़ रहा है। एक और बढ़िया बॉल इनसाइड आउट, अनदर ग्रेट बॉल एंड होता है डॉट एंड ओवर द कंप्लीट। 14 ओवर के बाद 107 रन बनता है इंडिया का 3 विकेट नुकसान पे गाइस। तो रन ज़्यादा बन नहीं रहा, रोस्टन चेज आ रहे हैं बॉलिंग करने। तो रोस्टन चेज टू सुपर गिल गाइस, पहला बॉल देखते रहिए आगे, इंटरेस्टिंग हो सकता है। पहला बॉल और ये बढ़िया बॉल, जोर से बॉल किया, होता है डॉट बॉल। सेकंड बॉल ओवर का, बहुत ही लेट रिएक्शन हो रहा है गाइस, स्पिनर खेलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सेकंड बॉल ओवर का, एक और डिलीवरी और व्हाट अ डिलीवरी, और बोल्ड आउट कर दिया सुमन गिल ने। सुपर बॉलिंग गाइस, रोस्टन चेज अंदर आया ये बॉल, स्पिन बॉल बहुत ही बढ़िया हुआ था गाइस, और ये पूरा मिडिल स्टंप उड़ गया, बीट हुए और अनफॉर्चुनेटली सुमन गॉट 67 रन बना के गए। सुमन गिल वेल प्लेड। एंड संजू सैमसंग आ रहे हैं बैटिंग करने, रन बहुत स्लो जा रहा है यार, तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को भेजते तो अच्छा होता। संजू आया बैटिंग करने, 8 बॉल ओवर का, लेट्स सी आगे, रन तो बनाना पड़ेगा। कट शॉट, व्हाट अ कैच, अनबिलीवेबल गाइस, आई कांट बिलीव दिस यार, ये कैच कैसे पकड़ लिया समझ नहीं आ रहा, जस्ट आई कांट बिलीव दिस, ये कैच पकड़ लिया गाइस, सॉलिड कैच यार, स्क्वायर कट मारने का कोशिश, कीपर ने कैच पकड़ लिया है। तो बहुत डिफिकल्ट बन चुका है रन बनाना गाइस।
एंड संजू सैमसन गॉन, डक पे हो चुके हैं संजू सैमसन गॉन। अक्षर पटेल अब आ रहे हैं बैटिंग करने, अक्षर पटेल इज कमिंग टू द क्रीज। तो था वॉल ओवर का रोशन चेस टू अक्षर पटेल गाइस, तो रन ज्यादा हो नहीं रहा गाइस, 5 विकेट गिर चुका है इंडिया का। एक वॉल ओवर का शॉर्ट पिच बॉल, बढ़िया बॉलिंग होता है डॉट बॉल। तो ये लेग साइड का बॉल था, गलत जगह पे मारने का ट्राई किए। दो वॉल ओवर का बाकी है, बढ़िया ओवर कर रहे रोशन चेस, एक और बढ़िया बॉल कट शॉट, अनदर ग्रेट बॉल, फिर से होता है डॉट बॉल एंड लास्ट वॉल ओवर का। तो क्या ये मेडन ले सकता है गाइस, मेडन लेने का पॉसिबिलिटी है गाइस। बढ़िया ओवर किया है, विकेट दो विकेट लिया है और एक और कट शॉट, इस बार मेडन हुआ नहीं गाइस और ओवर होते कंप्लीट, वन रन ऑफ दिस ओवर। तो व्हाट अ ओवर गाइस, अक्षर पटेल एक ओवर बॉल करके दो विकेट लिया और प्लस मेडन होते होते रह गया गाइस, एक रन दे के दो विकेट, बढ़िया ओवर गाइस, पहला ओवर भी दो विकेट। तो अक्षर पटेल ऑन द स्ट्राइक, अक्षर पटेल टू ओबेड मैकॉय, देखते रहिए आगे, फाइनल 5 ओवर होने वाला है गाइस। पहला बॉल और व्हाट अ डिलीवरी गाइस, रॉकेट की तरह बॉल गया ये, बहुत ही जोरदार बॉलिंग कर रहे हैं गाइस। तो और भी फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा इंडिया को, बहुत जोर से बॉल जा रहा है यार, रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक रोल ओवर का देखते रहिए आगे और एक कट शॉट, गैप पे खेला ये कट, मिलेगा एक रन। पिच एक्चुअली यार पेसर्स के लिए बहुत फास्ट है, दो रन मिलेगा तो पता नहीं यार कितना रन हम ले सकते हैं, आई कैन बिलीव। तो मैच हार भी सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वेस्ट इंडीज चेस कर रहे हैं यार। तो हम बैटिंग करते तो हमको हम अगर टॉस जीते तो हम भी टॉस जीत के बॉलिंग ही लेते। एक और बॉल इनसाइड आउट, ब्यूटी शॉट बाय अक्षर पटेल, कैचेस का एक कॉल और ये चौका मिल गया है गाइस, लकी शॉट। तीन बॉल ओवर का बाकी है, ये लक साथ दिया है गाइस, लक साथ भी देना पड़ेगा। अच्छा शॉट है अक्षर पटेल का, वेरी गुड शॉट बाय अक्षर पटेल। तो उस साइड से यार हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, बड़ा बॉल पे 6 रन, चौथा बॉल ओवर का ओपन मैकॉय टू अक्षर पटेल, देखते रहिए आगे। एक और डिलीवरी और ये ग्रेट बॉल गाइस, वेरी वेरी ग्रेट बॉल एंड लास्ट टू बॉल ओवर का सुपर बॉलिंग कर रहे हैं गाइस, रन मारने का मौका ही नहीं दे पा रहे। एक और बॉल ओवर का देखते रहिए, मारने का ट्राई जरूर लेंगे। एक और बॉल और इनसाइड आउट, टाइमिंग हुआ नहीं, कैचेस का चांस, बढ़िया गैप पे चला गया, ये मिल जाएगा चौका। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल फील्डिंग यार, ये कैसा फील्डिंग है कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग था ये। लास्ट बॉल ओवर का होने जा रहा है, आखिरी बॉल गाइस, ओवेड मैकॉय टू अक्षर पटेल, थोड़ा सा बेटर ओवर हुआ है, 8 रन बनाए इस ओवर पे। एक बॉल ओवर का और ये ब्यूटी शॉट, इस बार गैप पे खेला, दैट शुड बी अ 4 एंड 6 यार, कमाल का छक्का लगाया ये, फ्लैट 6। ग्राउंड लग रहा है छोटा है यार, इस छोटा ग्राउंड पे अगर रन नहीं बनेगा तो हमारा वाट लग जाएगा यार, वेस्ट इंडीज यार डेफिनेटली रन चेज करने का अगर इस ग्राउंड पे रन नहीं बना तो। तो 16 ओवर पे 122 रन बनाए गाइस, रोशन चेज टू हार्दिक पांड्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाला है। पहला बॉल ओवर का और ये स्वीप शॉट, ब्यूटी स्वीप, खेला है फाइन लेग पे, बढ़िया फील्डिंग, ले रहे एक रन। तो अभी तक चेज ने बहुत ही बढ़िया ओवर किया है, ये अभी भी 3 ओवर है इनके पास, मे बी 2 ओवर करा सकते हैं इनको, पर अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होने वाला है। एक रोल ओवर का देखते रहिए आगे, एक और डिलीवरी कट शॉट, ब्यूटीफुल कट, गैप पे खेला ये, बट फील्डर ने पकड़ लिया यार, टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं इनका बॉल। तो स्पिनर पे प्रॉब्लम हो रहा है बहुत, स्पिनर पे इंप्रूव करना पड़ेगा बैटिंग। 8 बॉल ओवर का रोशन चेज टू हार्दिक पांड्या, 7 पे खेल रहे हार्दिक। एक रोल ओवर का देखते रहिए आगे, एक और डिलीवरी और ये वाइड डिलीवरी गाइस, एक वाइड बॉल देखने को मिला है, लेग साइड मारने का ट्राई किए थे बट बैट पे ही नहीं लगा पाए। 13 बॉल पे 7 रन बने हार्दिक पांड्या, बहुत स्लो खेलेगा इस, फास्ट खेलना पड़ेगा इनको। एक और बॉल स्कूप शॉट और ये फाइनली लगा दिया है, थोड़ा सा पहले बैट बट अच्छा शॉट है, मिलेगा चौका। चौथा बॉल ओवर का पीछे लगा दिया बाउंड्री, कैसी भी करके बस बाउंड्री लगाना है गाइस, कैसी भी करके बाउंड्री से मतलब है, बढ़िया शॉट बाय हार्दिक पांड्या। चौथा बॉल ओवर का रोशन चेज टू हार्दिक पांड्या, ज्यादा रन बना नहीं है, बहुत सारा रन चाहिए अभी भी। एक और बॉल रिवर्स स्वीप, ब्यूटीफुल रिवर्स स्वीप और ये मिस फील्डिंग और ये जाएगा चौका, वेरी गुड शॉट बाय हार्दिक एंड लास्ट टू बॉल ओवर का। और अजीब तरीके से बॉलिंग आ रहा है, पता नहीं यार बहुत ही अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग आ रहा है, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं, जितना कोशिश अच्छा हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं बैटिंग करने का। बढ़िया शॉट एंड लास्ट टू बॉल ओवर का रोशन चेज टू हार्दिक पांड्या, 15 पे खेले हार्दिक, 2 बॉल ओवर का बाकी है, देखते रहिए आगे। एक और डिलीवरी और ये बढ़िया शॉट बट ये फील्डर के हाथ पे गया, ले रहे सिंगल रन एंड लास्ट बॉल ओवर का। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर रहा है गाइस, पर अच्छा ओवर किया रोशन चेज ने, दी तो ओवर है बहुत अच्छा ओवर किया वेस्ट इंडीज। एंड एक और बॉल ओवर का देखते रहिए आगे, लास्ट बॉल ओवर का इंटरेस्टिंग होने वाला, ये रिवर्स स्वीप ग्लव्स पे लगा ये कैच, इसका मिल गया रन ऑफ का चांस,
तो हालांकि मेरे भी पहले ग्लव्स पे लगा है, अंपायर ने आउट दिया नहीं है, देखते हैं रिव्यू पे जाते ही नहीं, तो रिव्यू लेगा तो मे बी लॉस्ट हो जाएगा रिव्यू, आउट होगा नहीं। और बॉलिंग करने आ रहे हैं अखिल हजर, ओ माय गॉड, अभी देना था यार स्पिनर, यार पूरा डेथ ओवर स्पिन चल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इतना स्पिनर। पहला बॉल ओवर का, देश सी आगे फर्स्ट बॉल, और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी, और ये अंपायर ने आउट दे दिया है गाइस। और बिल्कुल यार हार्दिक पांडे हो चुके LBW, मैंने कहा था यार स्पिनर पे मेरे बहुत दिक्कत है गाइस, आई डोंट लाइक स्पिनर। तो देखते हैं रिव्यू चलते हैं अपन, यार रिव्यू पे ये आउट है कि नहीं। सो बॉल ट्रैकिंग में चलते हैं बिना किसी देरी पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बहुत शॉर्ट बॉल था ये, शॉर्ट पिच डिलीवरी था, सीधा खेलने का ट्राई किए बट टाइमिंग कर नहीं पाए, एंड विकेट इंपैक्ट इन लाइन एंड विकेट हिटिंग, यार बॉल कितना लो हुआ है देखिए गाइस, बॉल बहुत लो हुआ है गाइस, शेट हार्दिक पांड्या को जाना पड़ेगा यार, रन बना नहीं पाए, बहुत अफसोस हो रहा है यार, ज़्यादा रन हो नहीं रहा, 16 रन बनेगा, हार्दिक हो चुके आउट। तो पिच बहुत स्लो जैसा लग रहा है यार, फीलिंग बहुत ही अनकम्फर्टेबल, नॉट गुड यार। और सेकेंड बॉल ओवर का, अक्षर हुसैन टू कुलदीप यादव, और ये वाइड डिलीवरी गाइस, कुलदीप यादव स्क्वायर कर मारने की कोशिश किए बट लगा नहीं पाए। अक्षर पटेल खेल रहे एक साइड से, 16 रन पे खेल रहे अक्षर पटेल, हुसैन टू कुलदीप गाइस, एक और बॉल ओवर का, और ये बढ़िया बॉल, क्या स्पिन हुआ, ये बॉल होता है डॉट बॉल गाइस, हार्ड बॉल, बहुत ही सॉलिड स्पिन हो रहा है गाइस, एक तो स्लो बॉल डाल रहे हैं, खेलने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, एक बॉल ओवर का, देखते रहेगा एक और डिलीवरी, और ये रिवर्स स्वीप मारने का ट्राई बट ये होता है डॉट बॉल, वाइड दिया अंपायर ने, बहुत ही बाहर का बॉल था यार। अकेले से टू कुलदीप यादव, 6 विकेट इंडिया गिर चुका है, लग रहा है ज्यादा रन बनने नहीं वाला, एक रोल ओवर का, और ये इनसाइड आउट, ठीक से लगा नहीं, टाइमिंग हो नहीं गया, लिएगा एक ही रन गाइस, एंड 3 बॉल ओवर का बाकी है, 17 ओवर, 4 बॉल पे 137 रन बनाए इंडिया का, 6 विकेट नुकसान पे, 3 बॉल ओवर का बाकी है। तो मैच इज ऑन द लाइन, ब्यूटीफुल मैच हो रहा है गाइस, बहुत ही धमाकेदार मैच, चौथा बॉल ओवर का, एक और बॉल, और ये कट शॉट, ब्यूटीफुल कट बट ज्यादा दूर गया नहीं है, तो टाइमिंग एकदम ही हो नहीं रहा, टाइमिंग करने का कोशिश तो कर रहा हूँ बट टाइमिंग कर नहीं पा रहे अपन। 2 बॉल ओवर का बाकी है गाइस, अखिल हुसैन टू कुलदीप गाइस, एक पे खेल रहे कुलदीप यादव, स्पीच बहुत स्लो है गाइस, एक और बढ़िया बॉल, इनसाइड आउट, बड़ा लगाया कुलदीप यादव ने, एंड दैट्स अ सिक्स, अनबिलीवेबल यार, कुलदीप ने लगा दिया है छक्का, बहुत ही वैल्यूएबल सिक्स है गाइस। बट एक चीज देख के पता चल रहा है कि ये मैच वेस्ट इंडीज डेफिनेटली चेस कर सकते हैं गाइस, क्योंकि कुलदीप जैसा प्लेयर भी छक्का मार रहे हैं यार, तो मेन बैट्समैन तो छक्का मार ही नहीं पाए। एंड लास्ट बॉल ओवर का, एक और बॉल, और ये स्लो ओवर बॉल होता है डॉट एंड ओवर होते कंप्लीट, एंड अलजरी जोसेफ को बॉलिंग पे दे रहे हैं गाइस, पेसर्स दे रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है सिचुएशन। तो अक्षर पटेल टू अलजरी जोसेफ, पहला बॉल ओवर का, लेट्स सी आगे क्या होता है सीन, फर्स्ट बॉल, और ये ऊपर का ब्यूटीफुल शॉट, और ये जाएगा 4 रन, पहला ही बॉल 4 मार दिया अक्षर पटेल ने, और एकमात्र भरोसा है हमारा अक्षर पटेल, ये आउट हो गया तो हमारा गेम खत्म डेफिनेटली यार, कन्फर्म गेम खत्म हो जाएगा, बट स्टिल मारने का ट्राई करेंगे, 5 फील्डर लेग साइड पे आप देख सकते हो, और ये कार्ड एंड डॉट बॉल गाइस, बहुत ही डिफिकल्ट है रन करना गाइस, सब फील्डर लेग साइड पे रख चुके हैं गाइस, ऑफ साइड पे 30 यार्ड्स के बाहर कोई फील्डर नहीं है, बट स्टिल हम मारने का ट्राई जरूर करेंगे। चौथा बॉल ओवर का, एक और बॉल, स्ट्रेट शॉट, ब्यूटीफुल हिट, और ये 4 मिलने का पॉसिबिलिटी है, और ये मिल जाएगा 4 रन, एंड 150 का रन कम्स अप फॉर इंडिया गाइस, 150 रन इंडिया का बन चुका है, और वैसे ये स्कोर डिसेंट है बट वेस्ट इंडीज ये रन चेस कर सकते हैं गाइस, चेजेबल रन है गाइस, वो सेफ रन नहीं है, इंडिया को अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। चौथा बॉल ओवर का, अलजरी जोसेफ टू अक्षर पटेल, देखते रहिए आगे क्या ये मार पाएगा यार, बहुत बाउंड्री मारना पड़ेगा, एक और बॉल ओवर का, और ये बढ़िया कवर ड्राइव, ये क्लास शॉट है, जाएगा ये 4 रन, स्मार्ट बैटिंग, और ये मिल जाएगा चौका। लास्ट 2 बॉल ओवर का, 18 ओवर, 4 बॉल पे 156 रन बन चुका है इंडिया का, एंड अभी भी मौका है गाइस, 16 बॉल अगर रन बना ले तो देखते हैं कितना रन हम बना सकते हैं गाइस, तो सेफ रन तो हुआ नहीं है बट ठीक है, ट्राई ओवर बेस्ट देने से भी कुछ हो सकता है गाइस, 29 रन बनाए अक्षर पटेल ने, बहुत वैल्यूएबल रन है अक्षर पटेल का। लास्ट 2 बॉल ओवर का, और ये इनसाइड आउट, टाइमिंग हुआ नहीं, रिस्की रन, रन आउट का चांस, और ये रन ले लिया है, कमाल का रनिंग विद इन द विकेट गाइस। तो लास्ट बॉल ओवर का, यॉर्कर बॉल था यार, सॉलिड यॉर्कर डाल रहे हैं, एंड आखिरी बॉल ओवर का होने जा रहा है कुलदीप टू जोसेफ गाइस, लास्ट बॉल ओवर का, थोड़ा सा बेटर ओवर हुआ है ये, एक और बॉल, और ये बढ़िया ड्राइव, और ये ले रहे सिंगल, 2 रन नहीं मिलेगा यार, छोटा ग्राउंड है बट फिर भी ले रहे 2 ब्रिलियंट रनिंग विद द विकेट,
एंड ओवर थे कंप्लीट गाइस। 19 ओवर के बाद 159 रन बनते इंडिया का 6 विकेट नुकसान पे। सो बहुत ही क्लासिक रन है गाइस, ये टी20 का एवरेज स्कोर है गाइस। हुसैन टू अक्षर पटेल गाइस पहला बॉल ओवर का। लेट्स सी आगे, पहला बॉल स्वीप और ये खेल दिया है फाइन लेग पे शॉट, मे बी चौका मिलेगा नहीं, उतना स्पीड नहीं है बॉल पे। दो रन इजीली ले लिया गाइस। 161 फॉर 6 इंडिया एंड सेकंड बॉल ओवर का। तो मेरे ख्याल से रोस्टन चेस को बॉलिंग पे देना चाहिए था, ये गलती कह सकते हो वेस्ट इंडीज की तरफ से। थर्ड बॉल सेकंड बॉल ओवर का, एक और बॉल और ये स्वीप शॉट फुल टॉस बॉल और ये जाएगा चौका। स्मार्ट बैटिंग यार, आउटफील्ड यार इतना स्लो क्यों है, और ये चौका मिला है गाइस। 165 फॉर 6 एंड थर्ड बॉल ओवर का, बढ़िया रन लिया है गाइस, बहुत ही अच्छा स्वीप शॉट मार दिया इधर। इंटरेस्टिंग चल रहा है, फुल टॉस बॉल स्वीप किया अक्षर पटेल ने, तो बहुत ही वैल्यूएबल रन इन्होंने बनाया गाइस। 19 बॉल पे 36 रन गाइस, बहुत ही बढ़िया खेले। एक और बॉल और ये स्वीप और ये होता है डॉट बॉल गाइस, डॉट पिच डिलीवरी था। चौथा बॉल ओवर का, तो ये लास्ट ओवर अच्छा जा रहा है बट अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ गाइस, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। एक और बॉल ओवर का और ये स्कूप शॉट बट होता है ये डॉट बॉल, लास्ट टू बॉल ओवर का। तो रन ट्राई कर रहे, जितना कोशिश हो सके अपने ट्राई कर रहे हैं। एक और बॉल ओवर का, लास्ट टू बॉल, लेट्स सी आगे। एक और बढ़िया बॉल और ये वाइड डिलीवरी यार, ये वाइड कैसे नहीं है यार, सब हमारे अगेंस्ट पे आज हो रहा है गाइस। यार ये बिल्कुल वाइड था बट अब क्या कर सकते हैं, दिया नहीं। लास्ट बॉल ओवर का, लास्ट एंड फाइनल डिलीवरी और ये फुल टॉस बॉल स्ट्रेट खेला, शुड बी अपफॉर और बढ़िया फील्डिंग और ये चौका हो चुका है। एंड फाइनली इज दैट इनिंग्स इज कम टू एन एंड गाइस, फाइनली इज दैट इनिंग्स इज कम टू एन एंड। 20 ओवर खेल के 169 रन बनाए गाइस, तो ठीक है यार, रन रेट बैलेंस है, अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा इंडिया को अगर ये रन डिफेंड करना है तो। 50-50 चांस है गाइस, तो इंटरेस्टिंग अब होने वाला है ये मुकाबला। तो अब चलते हैं स्कोर बोर्ड पे, तो देख लीजिएगा, तो बढ़िया बॉलिंग किया एक्चुअली वेस्ट इंडीज। तो ये रहा आपके सामने स्कोर बोर्ड गाइस, 20 ओवर खेल के इंडिया ने को स्कोर बनाया 169 फॉर 6, शुभमन गिल 67 एंड अक्षर पटेल 40 करके नॉट आउट रहे, बहुत अच्छा खेले। रोशन चेस ने 2 विकेट लिया, कायल मियांस ने 2 और अकील हुसैन 1-1, बाकी सब। तो अब चलते हैं वो सीरीज के बैटिंग पे, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और देखते रहिए कौन ही मुकाबला जीतने वाला है। तो ब्रेंडन गिगिंस साथ में कायल मियांस ओपनिंग सीट पे आ रहे हैं, पहला ओवर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने जा रहे हैं गाइस। तो लेट्स सी, फर्स्ट बॉल ओवर का हार्दिक पांड्या टू ब्रेंडन गिगिंस गाइस, तो इजी मैच है वो सीरीज के लिए। स्विंगिंग डिलीवरी, पहला बॉल एज और पहला ही बॉल एज लग के ये चौका मिल चुका है गाइस। 4 से किया है शुरुआत, नसीब खराब यार, आउटसाइड एरिया के ये चौका हो चुका है, वेरी गुड शॉट दैट इज गाइस। 10 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर बना 89 फॉर 4, अभी बैटिंग करे निकोलस पुरन साथ में सिमरन हेडमेयर। कुलदीप यादव आए हैं बॉलिंग करने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है गाइस। 60 बॉल पे 81 रन चाहिए, जो इम्पॉसिबल तो नहीं है गाइस, इंडिया को बहुत टाइट बॉलिंग करना पड़ेगा तो ये मैच जीत पाएंगे, तो देखते रहिए। और ये स्वीप शॉट, पहला ही बॉल, बढ़िया स्वीप मिलेगा एक रन, तो इंडिया को बहुत टाइट बॉलिंग करना पड़ेगा यार, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैच जीतना, देखते हैं कौन ये मैच जीत सकते हैं, या वेस्ट इंडीज या इंडिया, लेट्स सी आगे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, लास्ट एंड फाइनल ओडीआई, सॉरी फाइनल टी20 हो रहा है ये, बढ़िया स्वीप और ये मिलेगा फिर से एक रन गाइस। ये फाइनल टी20 मैच, फिफ्थ एंड फाइनल, जो जीतेगा वो जीतेगा सीरीज गाइस, थर्ड बॉल ओवर का। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल का लाइक से मार दीजिए गाइस। रोल ओवर का देखते रहिए, एक और बॉल और ये लेग स्पिन बॉल और ये फ्लाइट डिलीवरी और ये मिलेगा एक रन फिर से, बढ़िया रनिंग विद द विकेट गाइस। 10 ओवर 3 बॉल पे 92 रन बना है वेस्ट इंडीज का, 4 विकेट नुकसान पे। तो एक एक करके खेल रहे, एक छक्का मारने का जरूर ट्राई लेंगे, ये विकेट भी ले सकते हैं, देखते हैं ट्राई लेंगे विकेट लेने का। एक और बॉल और ये स्वीप शॉट और ये होता है डॉट बॉल, स्मार्ट बॉलिंग, स्मार्टली बॉलिंग कर रहे कुलदीप यादव, बहुत ही बाहर बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट टू बॉल ओवर का, एक छक्का मारने का ट्राई जरूर करेंगे ये, एक और बॉल है, मैंने बोला ही था एक मारेगा जरूर, और ये मार दिया है छक्का, वेरी गुड शॉट दैट इज। एंड लास्ट बॉल ओवर का, यार मेरे ख्याल से ना पेसर ही देना चाहिए गाइस, स्पिनर पे रन बन जाएगा, रिस्की है अभी बट फिर भी ट्राई लेंगे यार, विकेट लेना भी जरूरी है, हेडमैन का विकेट लेना बहुत जरूरी है आखिरी बॉल ओवर का। लेट्स सी आगे और ये स्लो ओवर बॉल और ये पकड़ लिया है, अपील किया है LBW का, एक्चुअली कैचेस का कॉल किया है, तो अंपायर ने आउट दिया नहीं है, नो ओवर होते कंप्लीट। तो बॉलिंग पे ले आएंगे अर्षदीप सिंह को, देखते हैं अर्षदीप सिंह का ये लास्ट ओवर हो सकता है, वैसे भी इनको बहुत पीला है गाइस। तो अर्षदीप सिंह आ रहे हैं बॉलिंग करने, फर्स्ट बॉल ओवर का निकोलस पुरन टू अर्षदीप सिंह, लेट्स सी आगे क्या विकेट ले पाएंगे अर्षदीप। फर्स्ट बॉल स्विंग डिलीवरी और ये बढ़िया शॉट, पहला ही बॉल छक्के से किया है शुरुआत एंड 100 रन कम्स अप फॉर वेस्ट इंडीज, बहुत बड़ा मैंने गलती किया है शायद, 100 रन, बहुत ही बढ़िया छक्का लगा दिया है गाइस, ब्रिलियंट सिक्स, इंटरेस्टिंग गाइस। तो रन बनने वाला है,
सेकंड बॉल ओवर का और सुदीप सिंह टू निकलस पुरन, ये मैच लग रहा है हारने वाले अपन। स्विंगिंग बॉल फ्लिक किया और ये गैप पे खेल चुका है एक रन इजीली, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और बढ़िया थ्रो और एक और रन लेने का प्रयास बट नहीं मिलेगा। ये 7 रन ऑलरेडी बन चुका है गाइस, रन रेट कम होते जा रहा है गाइस, तो बहुत मुश्किल है ये रन डिफेंड करना, बट फिर भी ट्राई और बेस देखते हैं। थर्ड बॉल ओवर का एक और बॉल स्विंग की बड़ी फ्लिक किया में लगा एक गैप पे खेला ये शॉट और इजीली मिल चुका है एक रन गाइस। तो 11 ओवर 3 बॉल पे 106 रन बनाए इंडो वेस्टइंडीज का 4 विकेट नुकसान पे। तो आउटफील्ड छोटा है गाइस, तो मेरा ही गलती है मैंने ज़्यादा रन बना नहीं पाया, दिस इज एब्सोल्युटली माय फॉल्ट। एंड चौथा बॉल अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाए, पुल किया और ये होता है डॉट बॉल, वेरी गुड बॉलिंग। एंड 2 बॉल ओवर का बाकी है तो थोड़ा बहुत डॉट देखने को मिल रहा है, अच्छा बॉल 8 रन बनाए इस ओवर पे और सुदीप सिंह का ये लास्ट ओवर चल रहा है। एक और बॉल ओवर का पुल किया फिर से इस बार गैप पे खेला इजीली मिलेगा एक रन गाइस, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया थ्रो एंड लास्ट बॉल ओवर का होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रहा है हिट बैट टू और सुदीप सिंह गाइस, तो 9 रन बनाए फिर से इस ओवर पे। एंड एक और बढ़िया बॉल पुल किया और ये गैप पे खेला मिलेगा एक एंड ओवर होते कंप्लीट, रन आउट हो सकते चांस और ये थ्रो किया बढ़िया थ्रो और ये पहुंच चुके हैं एंड ओवर होते कंप्लीट। बड़ा ओवर के बाद 108 रन बनता है तो लेट्स सी आगे एक बहुत ही धमाकेदार बॉलिंग करना पड़ेगा तो ये मैच जीत पाएंगे। किसको दो मैं सोच रहा हूँ, चाहल को ले आ रहे बॉलिंग पे, तो उसी चाहल का ऑलरेडी 2 ओवर हो चुका है बट फिर से देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट बॉल और ये स्वीप शॉट और एक जिसका चांस शूट भी आके एंड टेक इट और ब्रिलियंट विकेट, चाहल ने दे दिया ब्रेक थ्रू और हेडमैन को कर दिया आउट। ये बड़ा विकेट गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है युजवेंद्र चाहल ने, बिग विकेट गॉन और हेडमैन हो चुके आउट। स्वीप मारने का ट्राई किए बट अनफॉर्चुनेटली हेडमैन गॉन एंड 15 रन बना के हेडमैन हो चुके आउट। सो रोमारियो सेपरेट इज कमिंग इनटू द क्रीज, ये टेल अंडर प्लेयर है, ये भी मार सकते हैं वैसे हल्के में ही लेगा। एक और बढ़िया बॉल फ्लिक एज्ड और ये ले रहे सिंगल रन और एक और रन आउट का चांस बट ये दौड़ चुके ले चुके रन इजीली। एंड थर्ड बॉल ओवर का इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग यार, सिंगल रोकना बहुत जरूरी है गाइस, सिंगल रोकना बहुत जरूरी है। थर्ड बॉल ओवर का और ये स्वीप शॉट होता है ये डॉट बॉल, वेरी गुड बॉलिंग। तो निकलस पुरन एक मारने का ट्राई जरूर लेगा, ये ओवरस्टिप करके मारने वाला है ये बट हम मौका नहीं देंगे। एक और बढ़िया बॉल मिलेगा एक रन एंड देख सकते हो ग्राउंड बहुत ही छोटा है गाइस, लास्ट 2 बॉल उठा के खेलेगा तो आराम से 6 रन मिल जाएगा। देखते रहिए चाल का, एक और ओवर रखना पड़ेगा। एक और बढ़िया बॉल फ्लिक और ये होता है डॉट बॉल, वेरी गुड बॉलिंग। एंड लास्ट बॉल ओवर का सुपर ओवर किया है गाइस चाहल ने ये वाला ओवर, तो टर्निंग पॉइंट बनने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। स्वीप और फिर से होता है डॉट एंड ओवर होते कंप्लीट। 13 ओवर के बाद 110 रन बनते हैं वेस्टइंडीज का 5 विकेट नुकसान पे। सो अक्षर पटेल का भी ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट और अक्षर पटेल को दे रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है देना ही पड़ेगा। तो अक्षर पटेल का ये लास्ट ओवर हो सकता है गाइस, लास्ट ओवर अक्षर पटेल का और पहला बॉल और ये बैट में ठीक से लगा नहीं और ये मिल गया एक रन इजीली। अब स्ट्राइक पे है रोमारियो सेपरेट, इंटरेस्टिंग गाइस सेकंड बॉल ओवर का, सेपरेट को सिंगल रोकना पड़ेगा। रोमारियो सेपरेट टू अक्षर पटेल, तो देख सकते हो एक स्लीप रखा है सेपरेट के अगेंस्ट पे। सेकंड बॉल और ये स्वीप शॉट जोर से खेला मिल जाएगा एक रन, सिंगल रन आराम से ले लिया है गाइस, सिंगल रोकना ही पड़ेगा नहीं तो ये मैच हम जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत ही टाइट मैच चल रहा है गाइस। अक्षर पटेल टू निकलस पुरन, एक और बॉल फ्लाइटर डिलीवरी और ये उठा के खेला शुड बी अ सिक्स एंड दैट्स अ सिक्स आर गाइस, तो लगा ही दिया छक्का, लगा ही था ये मारने वाला है, ब्यूटीफुल शॉट नो डाउट, छोटा के खेला ब्रिलियंट, सबसे बड़ा एरिया पे गाइस, छोटा ग्राउंड है छक्का मारना बहुत आसान है, तो एक ही ऑप्शन है ऑल आउट करने का। एक और बढ़िया बॉल स्वीप शॉट और ये मिलेगा एक रन गाइस, तो महंगा पड़ेगा ये ओवर एंड लास्ट 2 बॉल ओवर का होने जा रहा है गाइस। तो अक्षर पटेल का ये लास्ट ओवर चल रहा है, कोई बात नहीं और क्या कर सकते गाइस, देना ही था विकेट, ले लिया तो अच्छा होता बट नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं। और एक और स्वीप शॉट होता है ये डॉट एंड लास्ट बॉल ओवर का, 13 ओवर 5 बॉल 109 रन बनाए वेस्ट इंडीज का 5 विकेट नुकसान पे। एक और ओवर का लेट्स सी आगे, एक और बढ़िया बॉल और ये उठा के खेला होता है ये डॉट एंड ओवर होते कंप्लीट। 14 ओवर के बाद 119 रन बनता है गाइस, तो चाहल को ब्रेक देते हैं, चाहल को ना दे के मैं कुलदीप यादव को ले आ रहे बॉलिंग पे। सो कुलदीप यादव आ रहे बॉलिंग करने, ये एकमात्र बॉलर है विकेट ले सकते हैं गाइस। पहला बॉल कुलदीप टू निकलस पुरन, 46 विकेट लिए निकलस पुरन। फर्स्ट बॉल फ्लाइटर डिलीवरी स्वीप शॉट होता है ये डॉट बॉल, वेरी गुड बॉलिंग। सेकेंड बॉल इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, एक और डिलीवरी देखते रहिए आगे। तो मेरे ख्याल से सेपरेट को टारगेट करना चाहिए आउट करने का और ये फ्लिक और ये उठा के खेला दैट्स अ सिक्सर,
तो कुलदीप को यार सिंगल छोड़ देना ही बेटर है गाइस। 50 रन बना लिया है निकोलस पुरन ने, कुलदीप यादव टू निकोलस पुरन गाइस। तो कुलदीप अच्छा बॉलिंग कर नहीं पा रहे गाइस, इनको बहुत पील रहा है हर बॉलों पर का। एक और बढ़िया बॉल, स्विप शॉट और ये मिलेगा डॉट बॉल, रन नहीं लिया ये। एक्चुअली सामने फील्डर है तो ग्राउंड छटा है, इसलिए छक्का तो आसानी से मिल रहा है, बट सिंगल रन उतना आसानी से मिलेगा नहीं। 33 वाले 45 रन चाहिए, दो तरफा ये मैच है, कोई भी ये मुकाबला जीत सकता है। एक और बढ़िया बॉल, फ्लिक उठा के खेला, शुड बी अ सिक्स एंड दैट्स अ सिक्सर गाइस। एंड दो बॉल ओवर का भाग गया, बहुत ही आसानी से छक्का मार दिया है गाइस। तो कुलदीप को आप नहीं दे सकते गाइस, एक्सपेंसिव ओवर चला गया ये, बहुत ही इजीली ये छक्का हो गया है गाइस। लास्ट टू बॉल 12 रन ऑलरेडी दे चुके इस ओवर पे, बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहा है रन, एक्चुअली मैंने बहुत कम बनाया गाइस। एक और बॉल और ये एक और डिलीवरी और एक और बढ़िया शॉट, दैट्स अनदर सिक्सर। ये मैच पूरा घूम गया है गाइस, अब ये मैच जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन चुका है इंडिया के लिए, बट स्टिल वी ट्राई अवर बेस्ट, हम कोशिश करेंगे ये मैच डिफेंड करने का गाइस। तो ठीक है, एक ओवर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बॉल, ये बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, देखते हैं ये बॉल भी क्या होता है। एक और बढ़िया बॉल, स्वीप और ये होता है डॉट एंड ओवर होता है कम्प्लीट। 15 ओवर के बाद 137 रन बनता है वेस्ट इंडीज का, 5 विकेट नुकसान भी, ओवर होता है कम्प्लीट। मुकेश कुमार अब आ रहे हैं बॉलिंग करने, पहला ओवर इन्होंने 15 रन दिए थे गाइस। पहला बॉल मुकेश कुमार टू रोमारियो सेपरेट गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ बॉलिंग करूँ, देखते हैं ये लाइन पे कम होता है कि नहीं। पहला बॉल और ये लेग साइड पे स्वीप, ब्यूटीफुल शॉट और ये मिल गया चौका पहला ही बॉल पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, पहला ही बॉल पे 4 रन लगा दिया है, ब्यूटीफुल फोर रन गाइस। क्लिक किया लूज बॉल और आराम से मार दिया चौका। मुकेश कुमार टू रोमारियो सेपरेट गाइस। तो मुकेश कुमार को भी मार रहे गाइस, ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं पड़े अपन, अभी भी ट्राई कर रहे हैं और ये हवा में शॉट, दैट्स अ शुड बी अ सिक्स अगेन एंड दैट्स अनदर सिक्स। तो बाउंड्री बहुत छोटा है यार, रन एक्चुअली बहुत कम हुआ है। तो वेस्ट इंडीज इज आउट प्लेड, वेरी वेरी वेल प्लेड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, वेरी गुड क्रिकेट। एंड थर्ड बॉल ओवर का, दो बॉल पे 10 रन ऑलरेडी बन चुका है, ये मैच अब धीरे धीरे हाथ से बाहर जा चुका है गाइस। एक बॉल ओवर का, स्विंगिंग डिलीवरी और ये ब्यूटीफुल ड्राइव, मिलेगा एक रन। तो ये मैच जीतने के लिए एक ही ऑप्शन है, सिंगल रोकना पड़ेगा, सिंगल के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, बट देखते हैं क्या होता है सीन। एंड 27 बॉल पे 22 रन चाहिए गाइस। चौथा बॉल ओवर का, मुकेश कुमार टू निकोलस पुरन, 64 पे के लिए निकोलस पुरन, 3 फील्डर लाइन पे है तो देख सकते हो एक स्लिप मौजूद है। एक और बढ़िया बॉल इनसाइड आउट और ये जाएगा एक और छक्का गाइस, बैक टू बैक सिक्स, 150 रन कम्स अप फॉर वेस्ट इंडीज। ये मैच बहुत इजी बन चुका है अब, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान मैच बन चुका है, बहुत ही बढ़िया मारते जा रहे हैं निकोलस पुरन, इजीली ये छक्का मार पा रहे हैं। पता नहीं यार, अगर हमको पहले बॉलिंग मिलता तो हम भी ये मैच जीत सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग मिल गया है और ये डिफेंड कर रहे हैं ये मैच। और इनसाइड आउट, एक और लगाया ब्यूटीफुल शॉट, अनदर सिक्स अगेन एंड लास्ट बॉल ओवर का गाइस, 160 रन बन चुके हैं वेस्ट इंडीज का और कुछ कर नहीं सकते यार, ये मैच ऑलमोस्ट हाथ से बाहर निकल चुका है गाइस, बहुत एक्सपेंसिव ओवर गया है। एंड लास्ट बॉल ओवर का, स्विंगिंग डिलीवरी, एक और बढ़िया शॉट, इस बार कैचेस का चांस, शुड बी अ कैच एंड अगेन फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला है गाइस। तो 6 विकेट डाउन वेस्ट इंडीज, बट बहुत देर कर दिया ये विकेट लेने में गाइस, बढ़िया विकेट मुकेश कुमार का, फाइनली सफलता मिला है, फ्लैट गया ये बॉल और इधर लाइन पे हो गया कैच आउट। सो थोड़ा सा और रन होता तो शायद हो सकता था। निकोलस पुरन 76 रन बना के हो चुके आउट, वेल प्ले निकोलस पुरन। सो बैटिंग करने आ रहे रोस्टन चेज, रोस्टन चेज कमिंग टू द क्रीज, अक्षर पटेल बॉलिंग करने जा रहे हैं, लेट्स सी आगे, सॉरी अक्षर नहीं, कुलदीप आ रहे हैं बॉलिंग करने। तो ये मैच तो हद से बाहर जा चुका है, 24 बॉल में 10 रन तो बहुत आसान होता है, बट फिर भी ट्राई करेंगे। पहला बॉल ओवर का और ये बढ़िया बॉल, स्विप शॉट होता है ये डॉट और रन नहीं लेने दिया गाइस, इंटरेस्टिंग। सेकंड बॉल यार, सेकंड बॉल ओवर का, कुलदीप यादव टू रोस्टन चेज, देखते रहिए आगे गाइस। तो फुल ट्राई करेंगे ये मैच जिताने का गाइस, डिफेंड करने का पूरा कोशिश करेंगे। सेकंड बॉल, एक और बॉल, लेग साइड फ्लिक उठा के खेला, शुड बी अ कैच और ये गैप पे लगा दिया चौका यार, ये क्या करूँ गाइस, गैप पे खेला पूरा, आराम से ये चौका लगा दिया है, फील्डर होता तो ये कैच होता पूरा गैप पे, बहुत ही शानदार शॉट लगाया रोस्टन चेज ने गाइस। ये मैच अब हाथ से बाहर जा रहा है गाइस, हर बॉल ओवर का। तो लेग साइड पे आप देख सकते हो 5 फील्डर लेग साइड पे है, तो इसके अलावा और बेटर फील्डर नहीं है हमारे पास। एक और बढ़िया बॉल और ये स्टंप आउट हो चुका है गाइस, तो वाइड बॉल होंगे और ये बिल्कुल आउट है गाइस। तो अभी भी उम्मीद नहीं हारने का है गाइस, ये बिल्कुल आउट है गाइस, और मैच भी एक आ चुका है ट्विस्ट, दैट इज वेरी वेरी विकेट गाइस, वेरी गुड बॉल, स्मार्ट बॉलिंग फ्रॉम कुलदीप यादव एंड 4 रन बना के रोस्टन चेज हो चुके आउट। अखिल होसेना आ रहे बैटिंग करने,
तो मैच में गया है ट्विस्ट, 22 बॉल में 5 रन चाहिए, 3 विकेट लेना पड़ेगा इंडिया को ऑल आउट करने के लिए गाइस। चौथा बॉल ओवर का, कुलदीप टू हुसैन देखते रहिए आगे, एक और डिलीवरी और ये लूज बॉल स्वीप खेला, मिलेगा एक रन और इजिली सिंगल रन ले लेंगे। तो 4 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को, टू इजी फॉर वेस्ट इंडीज, बट अभी भी एक ट्विस्ट है गाइस, एकदम बहुत ही बढ़िया मैच, इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है गाइस। प्लस 2 बॉल ओवर का, फ्लिक किया स्वीप और ये मिलेगा एक रन फिर से इजीली, एंड 2-3 फॉर विक्ट्री गाइस। इसके अलावा इससे बेटर फील्डर हम रख नहीं सकते गाइस, क्योंकि लेग साइड पे 5 से ज़्यादा फील्डर हम रख नहीं सकते। एक और ओवर का लास्ट बॉल, लास्ट एंड फाइनल डिलीवरी, कुलदीप टू हुसैन गाइस, एक और बॉल लूज बॉल फ्लिक एज्ड और ये होता है डॉट, एंड लास्ट बॉल ओवर का कुलदीप टू हुसैन गाइस, 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी बॉल ओवर का, कुलदीप यादव टू हुसैन, एक और बॉल स्वीप बॉल और ये मिल जाएगा एक रन, एंड 2-4 विक्ट्री गाइस। एक और ओवर होने वाला है गाइस, तो बढ़िया ये मैच चल रहा है गाइस, बहुत ही बढ़िया खेले वेस्ट इंडीज ने। तो मुकेश कुमार को आप दे नहीं सकते, मुकेश कुमार की एक चाल को ही देते हैं आखिरी ओवर, चाहल ने बहुत अच्छा स्पेल किया था गाइस, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शानदार ओवर किए थे चाहल ने। फर्स्ट बॉल ओवर का, चाल बॉलिंग कर रहे हैं, ये स्वीप शॉट और ये होता है डॉट, वेरी गुड बॉलिंग गाइस। सेकंड बॉल, बहुत ज़्यादा लूज बॉल डाल रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जारी है आउट करने का, और एक और बॉल स्वीप और ये होता है डॉट बॉल, एंड थर्ड बॉल ओवर का, तो देखते हैं क्या विकेट ले पाती कि नहीं गाइस। अखिल हुसैन ऑन द स्ट्राइक, थर्ड बॉल ओवर का, एक और बढ़िया बॉल स्वीप शॉट, फिर से खेला, ये रन आउट कर सकते हैं चांस, रन नहीं लिया गाइस। एंड 17 ओवर 3 बॉल पे 168 रन बनाए वेस्ट इंडीज का 7 विकेट नुकसान पे। एंड चौथा बॉल ओवर का, चाहल टू हुसैन गाइस, एक और बॉल और एक और लेग साइड बॉल, फिर से होता है डॉट, ये रन आउट का है चांस, बट ये दौड़ के ले लिया सिंगल, कैसे यार रन ले लिया है। लास्ट टू बॉल ओवर का युजवेंद्र चाहल टू सेफर्ट गाइस, 2-4 victory गाइस, 2 close गाइस, बहुत ही क्लोज है। एक और बढ़िया बॉल स्वीप, बढ़िया होता है डॉट बॉल गाइस, बढ़िया बॉल यार, एक्चुअली 4 स्पिनर लेना चाहिए था, बिश्नोई को भी आज ले लेना चाहिए था, तो मैच जीत सकते थे। एक और बॉल फ्लिक किया, मिलेगा एक रन, एंड स्कोर सा लेवल, मैच हो चुका है टाई, एंड 18 ओवर पे 170 रन बंदे वेस्ट इंडीज का, तो कुलदीप को ही देना पड़ेगा, और ये मैच जीत चुका है यार, रन दे दिया और वेल विक्ट्री फॉर वेस्ट इंडीज 1/3 विकेट। बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा था, बहुत ही क्लोज गया ये, इंडिया ने 20 ओवर खेल के 169 बनाए थे 6 विकेट नुकसान पे, शुभमन गिल ने 67 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 40 रन बनाए, और ऑस्टिन चेस ने 2 विकेट लिया, काइल मेस ने 2 विकेट, एंड वेस्ट इंडीज ने 18 ओवर खेल के ये रन चेस कर दिया 170 रन 7 विकेट के नुकसान पे। निकलस पुरन 76 एंड रॉबिन पॉवेल 20, बाकी सेपराट 15, एंड वेल प्लेड बोथ टीम, एंड चाहल भी बहुत अच्छा खेले, एंड हियर इज योर विनर इज वेस्ट इंडीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच निकलस पुरन। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।